नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अंदानी। मैं इंदिरा सिक्योरिटी में हेड हूँ एल्गो डेस्क का, और आज फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आए हैं हम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली ये बताएगा कि एक रिटेल ट्रेडर या एक ऐसा ट्रेडर जिसने आज तक एल्गो ट्रेडिंग नहीं किया है, वो कैसे एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, और जब आप एक एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करके 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, और जब आपका एक ट्रेडिंग टेस्ट होता है, मैं इसको ट्रेडिंग टेस्ट का नाम दे रहा हूं दोस्तों, तब उस टेस्ट से आपको कैसे निकलना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, ड्रॉडाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सारे ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, या इन्वेस्टर्स भी हैं, आज की तारीख में एल्गो ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत समझते हैं। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग मतलब आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए ट्रेडिंग के लिए, और उनको आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल के, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल के फीड कर दिया। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, हर चीज़ जो आप मैन्युअली करते हैं वो आपने सिस्टम को बता दी और सिस्टम को बोल दिया गो। तो जब आपने सिस्टम को बोला गो, तो सिस्टम को जैसे ही वो कंडीशन ट्रू मिलेगी, उसमें एंट्री या एग्जिट कर जाएगा। मशीन बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ पे मशीन आपके लिए काम कर रही है, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है दोस्तों। अब एल्गो ट्रेडिंग में आपको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एल्गो को लगा के और भूल जाएं, छोड़ दें। दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग होती है सिस्टम के थ्रू है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम साथ में आकर के एपीआई कनेक्टिविटी के रूप में आपकी ट्रेडिंग को करते हैं। अब बीच में आपको मार्केट में ये सलाह रहती है कि बीच बीच में देखते रहें कि प्रॉपर सिस्टम चल रहा है कि नहीं। स्टॉप लॉस आया तो कहीं आपके सिस्टम में एरर आया और स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्या टारगेट आया और आपके सिस्टम में नहीं लगा, क्या एल्गो ने ट्रेड फायर किया और आपके सिस्टम में लिमिट की वजह से रिजेक्शन आ गया और एक ट्रेड लगा एक ट्रेड नहीं लगा। एल्गो इज़ नॉट अनसुपरवाइज्ड ट्रेडिंग, इट इज़ सुपरवाइज्ड मैकेनिकल बेस्ड ट्रेडिंग। एल्गो अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको बीच में थोड़ा बहुत देखना ज़रूर पड़ता है, और इस सलाह रहती है कि आप बीच में उसको देखें। अब एल्गो स्टार्ट कैसे करें? दोस्तों, कई सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया में इंदिरा सिक्योरिटी को लेकर के, चूँकि इंदिरा सिक्योरिटी एक पायनियर है सेंट्रल इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखे हैं, एपीआई बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग, इस सारी फैसिलिटी हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने एल्गो अलाउ करके रखा है ट्रेडिंग के लिए। आपको सिंपली जाकर के देखना पड़ता है कि क्या क्या एल्गोस अवेलेबल हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स, कई सारे एल्गो मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर हुए हैं जहाँ पर रेडीमेड एल्गोस हैं। आप जाइए, सेलेक्ट कीजिए, एल्गो की परफॉर्मेंस देखिए, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, कुछ टाइम पेपर ट्रेडिंग करके उसका एक फील लीजिए, उसके बाद आप लाइव डिप्लॉय करके अपने अकाउंट में एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप जाएं, सबसे पहले देखें कि एल्गो के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड में आप कंफर्टेबल हैं, आपकी स्ट्रेटेजी सॉफ्टवेयर बेस्ड में चलेगी कि वेब बेस्ड में, एपीआई बेस्ड मॉडल में चलेगी। दूसरी चीज़, किस स्ट्रेटेजी में काम करना। दोस्तों, जो बिगनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा, आप कैश मार्केट बेस्ड स्ट्रेटेजी से स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा स्टार्ट कीजिए। आपने एक स्ट्रेटेजी देखी जिसकी कि लाइफ टाइम में जो ड्रॉडाउन आया, ड्रॉडाउन मतलब हाइएस्ट प्रॉफिट से लेकर के कितना नीचे प्रॉफिट गया, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट एक समय अगर 1 लाख रुपए की स्ट्रेटेजी का 50,000 था, और 20 दिन बाद वो प्रॉफिट रह के 30,000 हो गया, तो उसका ड्रॉडाउन हो गया 20,000। मतलब आप जिस दिन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 20,000 रुपये आपके साफ हो जाएं, हिस्टोरिकली हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 20,000 का ड्रॉडाउन आपको कंफर्टेबल है, आप वो स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करें, ये सोच के चलें 20 की जगह 30 भी आपको एक समय पे लॉस दिख सकता है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी से आप स्टार्ट करें, शुरुआत में आप छोटा छोटा क्वांटिटी करें, प्रॉफिट बिल्ड होने दें। कभी भी दोस्तों जल्दी ना करें। आपने देखा एल्गो आज आपने स्टार्ट किया, आपको एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट डे और 5,000, एक महीने में आपने 1 लाख पे 40,000 रुपये कमा दिए। तो ऐसा नहीं कि आप अगले महीने अपनी क्वांटिटी 5 टाइम 6 टाइम कर दें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। 15 दिन 20 दिन प्रॉफिट आने दें, मार्केट में लॉस आ रहा है तो लॉस आने दें, देखें कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी में दम है तो भी आप बैठें। अगर लगता है आपको कि स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है,
आप स्टॉप करके फिर से आप ड्राइंग टेबल पर जाएं, देखें कि स्ट्रेटेजी प्रॉपर है नहीं है। स्ट्रेटेजी आपने सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन वे में आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने दोस्तों रुकना पड़ेगा। टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, आपने स्ट्रेटेजी में गए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, फिर आपको लगातार लॉस आने लगा, तो आपका ये टेस्टिंग टाइम होता है दोस्तों। अगर स्ट्रेटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस है, पास्ट में प्रॉफिट आया है, आपको मालूम है भी वॉलेटिलिटी है, आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं जिससे आपकी रिस्क कम हो जाए, मगर आप कंसिस्टेंटली स्ट्रेटेजी के साथ बने रहें दोस्तों। स्ट्रेटेजी मेकर से बात कीजिए, समझिए क्यों हुआ ये लॉस, किस मार्केट में स्ट्रेटेजी लॉस करती है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना है, इंट्राडे का स्टॉप लॉस कितना है, स्क्रिप बेस्ड स्टॉप लॉस कितना है, बात करें, समझें, एनालिस्ट की बात समझें, कितना समझता है मार्केट को, स्ट्रेटेजी क्रिएटर कितना समझता है एल्गो को, ये सब चीज़ें समझें, डिसिप्लिन के साथ बैठे रहें, सुपरवाइज करते रहें अपनी ट्रेडिंग को। जैसे जैसे प्रॉफिट बुक होते जा रहा है, बिल्ड होते जा रहा है, आप धीरे धीरे अपनी पोजिशन बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है। आप कैश में जा रहे हैं, ऑप्शन बेस्ड में अगर आपको जाना है, फ्यूचर बेस्ड में जाना है, देखिए किसमें कम रिस्क के साथ ठीक ठाक रिटर्न आता है। दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं, एल्गो ट्रेडिंग मतलब सुपर डुपर प्रॉफिट नहीं है, कदापि नहीं है। आप ये मान के चलें एल्गो ट्रेडिंग का सिर्फ मतलब ये है कि सिस्टम आपके लिए ट्रेड करें, दैट्स इट। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको सुपर डुपर अनलिमिटेड प्रॉफिट, एक महीने में पैसा डबल, ये सब झूठ है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता एल्गो ट्रेडिंग में, ये मान के चलें आप। तो आप स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई करें, ऑप्शन बेस्ड में जाएं, अगर अभी ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन ज़्यादा लग रही है, ऑप्शन बाइंग बेस्ड स्ट्रेटेजी में जाएं, मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी में जाएं, कैश ऑप्शन का आप डाइवर्सिफाई करके रखें। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी का एक पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करें, धीरे धीरे पोर्टफोलियो ऐड करते चलें। जितना आप स्ट्रेटेजी मेकर से दोस्तों बात करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बाजार में आदमी ट्रेडिंग इसलिए नहीं छोड़ता है कि उसको लॉस हो रहा है, लॉस तो हो रहा है, ट्रेडर को मालूम है, लॉस लेना आता है ट्रेडर को, मगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने ट्रेडिंग मॉडल के ऊपर, इसलिए वो स्ट्रैटेजी छोड़ के चला जाता है। जितना आप स्ट्रैटेजी को समझेंगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा और उतना आप उसके अच्छे दिनों में उसके साथ रहेंगे। तो ये कुछ स्टेप है दोस्तों जो एक बिगनर के लिए मैंने आपको आज बताई। सबसे पहली चीज़, एल्गो क्या है उसको समझें, पेपर ट्रेडिंग करें या आप उसका बैक टेस्ट रिजल्ट देखें, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लें, प्रॉफिट बिल्ड होने दें, कुछ समय प्रॉफिट अच्छा आ गया उसके बाद आप पोजीशन बढ़ाएं। आपको अगर कोई भी डाउट है स्ट्रैटेजी मेकर से बात करें, आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, आप उसको सोच के समझ के छोड़ें, आपको लगता है स्ट्रैटेजी में दम है मगर अभी मार्केट साथ नहीं दे रहा, कंसिस्टेंटली उसको रखें, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई करें। ये 4-5 पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपको बताया, ये एक एल्गो जर्नी में काम आते हैं। धीरे धीरे जैसे आप इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, अपने आप में एल्गो मैच्योरिटी आनी स्टार्ट होगी। एल्गो में एंट्री करना दोस्तों सिर्फ मात्र 2% है, 98% है एल्गो को एनालाइज करना और एल्गो के साथ रहना, तभी आप पैसा कमा पाएंगे दोस्तों प्रॉपर तरीके से मार्केट में, नहीं तो एल्गो या नॉन एल्गो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। शॉर्ट वीडियो था मेरा, कोशिश की मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, थोड़े नॉलेज के थ्रू आपको कुछ बताऊं, मैं एल्गो में कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे कैसे रिटर्न कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वीडियो में लिखें, हम उसका आंसर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बी सेफ, थैंक यू।